हाय गाइस, मैं अजय कंबोज और आज मैं बात करूंगा कि अगर आप फार्मास्यूटिकल कंपनी शुरू करना चाहते हो, आयुर्वेदिक करना चाहते हो, कॉस्मेटिक करना चाहते हो तो आपका पहला स्टेप कौन सा हो सकता है। मैं मान के चल रहा हूँ कि यहाँ पे आप जीरो लेवल पे हो। मैं इस वीडियो में डॉक्यूमेंट्स की बात नहीं करूंगा, लाइसेंसेज की बात नहीं करूंगा क्योंकि वो मैं काफी वीडियो में कर चुका हूँ। और अगर आपको लाइसेंसेज और डॉक्यूमेंट जानने हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके आप देख सकते हो कि आपको अगर फार्मास्यूटिकल कंपनी शुरू करनी है, आयुर्वेदिक या कॉस्मेटिक या न्यूट्रास्यूटिकल कंपनी शुरू करनी है तो आपको किन किन लाइसेंसेज और डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ सकती है। यहाँ पे मैं बात करूंगा पहला स्टेप आपका क्या हो सकता है अगर आप जीरो लेवल से शुरू करना चाहते हैं। ये एक क्वेरी पे बेस है। क्वेरी कुछ इस तरह है कि मैं एक डॉक्टर हूं और काफी टाइम से आपको ब्लॉग फॉलो कर रहा हूं, तो मैं अब अपनी फार्मास्यूटिकल कंपनी शुरू करना चाहता हूं, तो मैं जानना चाहता हूं कि सबसे पहला स्टेप कौन सा होगा अगर मैं अपनी फार्मास्यूटिकल कंपनी शुरू करना चाहता हूं। तो अगर आप फार्मास्यूटिकल कंपनी शुरू करना चाहते हैं तो सबसे पहला जो स्टेप होना चाहिए वो होना चाहिए आपका प्रिपेयर करना अपने आप को फार्मास्यूटिकल कंपनी के लिए। ऐसा नहीं है कि आपने प्रोडक्ट बनाए, क्योंकि आजकल इतने ज्यादा मैन्युफैक्चर है, कोई भी आपको बना के दे देगा। बहुत छोटे लेवल पे भी आपको, बहुत स्मॉल लेवल पे भी आपको बैच बना के दे देगा। डॉक्यूमेंट्स आपने पूरे कर लिए, लाइसेंसेज आपने पूरे कर लिए तो किसी भी क्वांटिटी पे आप ले सकते हो। आप गूगल पे सर्च करोगे तो बहुत सारी कंपनियों की लिस्ट वहां पे आ जाएगी, किसी से कॉन्टेक्ट करोगे वो आपको बना के दे देंगे, फॉलो करते रहेंगे जब तक आप नहीं बनवाएंगे तब तक। तो वो इतना मुश्किल नहीं है प्रोडक्ट बनवाना, लेकिन आपको प्रिपेयर अपने आप को करना बहुत जरूरी है। तो अपने प्रोडक्ट बनवाने से पहले ही, अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने से पहले, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की जनरली मैं इसलिए स्टार्टिंग में बात नहीं करता क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा इन्वेस्टमेंट का काम होता है और फार्मास्यूटिकल सेक्टर में बहुत सारे रेगुलेशंस होते हैं। इसलिए मैं यही प्रेफर करता हूँ अपनी ऑडियंस को कि वो मार्केटिंग से शुरू करें तो ज्यादा बेटर रहता है, थोड़ा इजी रहता है, कम कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, कम इन्वेस्टमेंट होते हैं। और अगर आप मार्केट में, इंडस्ट्री में नए हो, आपके पास फुली बैकअप, इतना बैकअप नहीं है, तो फिर आप मार्केटिंग ज्यादा बेटर रहेगी। तो आप अपने आप को प्रिपेयर कैसे करेंगे, तो जो प्रिपरेशन में मैंने यहाँ पे पॉइंट इंक्लूड किए हैं वो है, एक तो अपना सबसे पहला अपना मार्केटिंग टाइप आपको चूज करना है कि आपको किस मार्केटिंग टाइप में जाना है। उसके बाद आपको कौन से मॉलिक्यूल लॉन्च करने हैं, उस किस सेगमेंट में आपको जाना है, क्योंकि फार्मास्यूटिकल सेक्टर में बहुत सारे सेगमेंट्स होते हैं, तो उसी सेगमेंट्स के हिसाब से आपने कौन से मॉलिक्यूल लॉन्च करने हैं उनके बारे में आपको डिसाइड करना है। उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि आपको किस लोकेशन पे अपने आप को लॉन्च करना है, अपनी कंपनी को लॉन्च करना है। वो बहुत हद तक आपके मार्केटिंग टाइप पे भी डिपेंड करेगा, लेकिन फिर भी आपको उन लोकेशन पे अपने कस्टमर टाइप पे कंसंट्रेट करना बड़ा जरूरी है। आपका प्राइमरी कस्टमर कौन सा रहेगा वो आपको चूज करना वहां पे जरूरी है। उसके अलावा आपका कंपनी नेम, आपके प्रोडक्ट के नेम जो आप लॉन्च करना चाहते हो, और आपका बजट आपके पास कितना अवेलेबल है, और अगर आपको एक्स्ट्रा फंड की जरूरत पड़ती है तो आप वहाँ वो कहाँ से अरेंज करेंगे, ये सब चीजें मैंने यहाँ पे प्रिपरेशन में इंक्लूड करी है। अब थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। देखो, सबसे पहला जो मैंने पॉइंट किया था वो किया था चूज मार्केटिंग टाइप। फार्मास्यूटिकल सेक्टर में अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारे मार्केटिंग टाइप्स होते हैं। आप ब्रांडेड मार्केटिंग में जा सकते हैं, जिसको खुद हम एथिकल मार्केटिंग भी कहते हैं कि डॉक्टर्स पे प्रिस्क्राइब करना। उसके अलावा जेनरिक मार्केटिंग में जा सकते हैं, पीसीडी फ्रेंचाइजी मार्केटिंग में जा सकते हैं, ओटीसी मार्केटिंग में जा सकते हैं, डायरेक्टली हॉस्पिटल्स को, इंस्टीट्यूशंस को सप्लाई कर सकते हैं, बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स के लिए सप्लाई डायरेक्ट करने की मार्केटिंग में हम जा सकते हैं, उनसे डायरेक्टली मिलके वहीं पे हम टाई अप करके या उनके टेंडर भर के उनके ऑर्डर लेके हम उनको सप्लाई कर सकते हैं। तो किसी भी तरह के मार्केटिंग टाइप में आप जा सकते हो, लेकिन स्टार्टिंग में आपको ये तय करना जरूरी है कि आपको किस तरह के मार्केटिंग टाइप में जाना चाहिए, क्योंकि हर तरह के मार्केटिंग टाइप में आप शुरू में नहीं जा सकते। आराम आराम से आप अलग अलग विजन बना के जा सकते हो हर तरह में, लेकिन स्टार्टिंग में आपको ये डिसाइड करना बहुत जरूरी है कि आपको किस तरह की मार्केटिंग टाइप में जाना चाहिए, क्योंकि उसी के बाद आप डिसाइड कर पाओगे कि आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, आपको किस तरह के प्रोडक्ट लॉन्च करने हैं, आपको किस एरिया में लॉन्च करना है, किस तरह का आपका कस्टमर टाइप रहेगा। सब कुछ आपका मार्केटिंग टाइप पे ही डिपेंड करता है। सबसे पहले आपको मार्केटिंग टाइप डिसाइड करना है कि आपका मार्केटिंग टाइप कौन सा रहेगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि आपका कस्टमर कौन सा रहेगा। बेसिकली आप डॉक्टर पे आपने डिसाइड कर लिया कि आप ब्रांडेड मार्केटिंग में जाएंगे, आप प्रिस्क्रिप्शन बेस पे जाएंगे, तो डेफिनेटली सी बात है कि आपको वहां पर डॉक्टर्स को प्रिस्क्राइब कराना है अपने प्रोडक्ट को, उसके हिसाब से ही आपको अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनानी है। लेकिन अब क्या है कि डॉक्टर्स तो अलग अलग तरह के होते हैं, कुछ पेडियाट्रिशियन होते हैं, कुछ सर्जन होते हैं, कुछ गायनी होते हैं, तो वो एक बहुत बड़ी रेंज में चला जाता है। उनमें से भी आपको एक पर्टिकुलर सेगमेंट पे काम करना है, आपको बच्चों के डॉक्टर पे काम करना है, आपको गायनोकोलॉजिस्ट पे काम करना है, आपको सर्जन पे काम करना है, तो आपको एक पर्टिकुलर एक सेगमेंट को पकड़ के चलना है, क्योंकि हर सेगमेंट के लिए आप प्रोडक्ट नहीं बना सकते, आप एक ही सेगमेंट के लिए प्रोडक्ट बना सकते हैं। और जितना आप अपनी नीड को,
अपने कस्टमर की स्पेसिफिकेशन को क्लैरिफाई करके रखोगे, उतना ही आपके लिए जो नेक्स्ट स्टेप मैं यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ वो इजी होता जाएगा। नेक्स्ट स्टेप है हमारा मॉलिक्यूल चूज करना। आपने अपना मार्केटिंग टाइप चूज कर लिया है, आपने अपना कस्टमर टाइप चूज कर लिया और कस्टमर में भी पर्टिकुलर आपने एक सेगमेंट चूज कर लिया है। उसके बाद आपको ये देखना है कि जो आपका कस्टमर है, जो आपका प्रोस्पेक्ट है, वो किन तरह के मॉलिक्यूल्स में ज्यादा इंटरेस्टेड है, किन तरह के मॉलिक्यूल को वो ज्यादा लिखता है, प्रिस्क्राइब करता है, किन में ज्यादा इंटरेस्टेड है, तो उसके हिसाब से आप अपने मॉलिक्यूल्स को चूज कर सकते हो और अपने नेक्स्ट स्टेप पे हम बढ़ सकते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है लोकेशन। एक्चुअली लोकेशन को हम मॉलिक्यूल चूज करने से पहले भी रख सकते हैं और बाद में भी रख रहे हैं तो कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। लोकेशन पे भी डिपेंड करता है कि कुछ एरिया में डॉक्टर्स कुछ और मॉलिक्यूल प्रिस्क्राइब करना पसंद करते हैं, कुछ एरियाज में डिफरेंट करते हैं, लेकिन फिर भी आपने मॉलिक्यूल चूज कर लिया। उसके बाद आप एक लोकेशन, पर्टिकुलर एक लोकेशन लेके चलिए, क्योंकि ये नहीं है कि आप पूरा ऑल ओवर इंडिया एक ही बारे में कवर अप कर सकते हैं। आप लेके चलिए कि आपको पहले एक डिस्ट्रिक्ट करना है, सोच करो आपको पहले करनाल करना है, उसके बाद आपको उसके पास कुछ क्षेत्र करना है या फिर पानीपत करना है, तो पहले आप एक पर्टिकुलर एरिया लेके चलिए। उससे आपको काफी मदद मिलेगी अपने आप को ये समझाने के लिए कि आपको कितनी मैन पावर की जरूरत है और आपको वहां का डाटा कलेक्ट करने में इतना टाइम नहीं लगेगा, कौन कौन से डॉक्टर पे आपको कंसल्टेट करना है, क्योंकि जितना आप स्पेसिफिक रखेंगे, मैं फिर भी स्पेसिफिक पे ध्यान दे रहा हूँ, उतना ही ज्यादा आप अपने रिसोर्सेज को बहुत बेटर तरीके से यूज कर पाएंगे। जैसे जैसे आपका काम बढ़ता रहेगा, आपकी कंपनी एक्सपेंड करती रहेगी, तो आप अपने एरिया को भी एक्सपेंड कर सकते हो, लेकिन पर्टिकुलर स्टार्टिंग में आपको लोकेशन तय करना जरूरी है। अगर आप एथिकल में नहीं हो, आप फ्रेंचाइजी में है, तो हो सकता है अब्रॉड एरिया को भी स्टार्टिंग में लेके चल सकते हो। आप पूरे ऑल ओवर इंडिया को एक बारी में ले सकते हो, पूरे स्टेट को एक बारी में ले सकते हो, लेकिन ये आपके मार्केटिंग टाइप पे भी डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप ब्रांडेड मार्केटिंग में डॉक्टर से प्रिस्क्राइब कर रहे हो तो छोटे एरिया को लेके चलिए, ज्यादा बेटर है, क्योंकि उसमें आपको कम मैन पावर से आप जल्दी अपने जितने रिसोर्सेज आपके पास है उनको ज्यादा अच्छी तरह यूटिलाइज कर पाएंगे। बाद में आप आराम से एरिया को बढ़ा सकते हैं जैसे जैसे आपका काम बढ़ता रहेगा। यहाँ पे हमने चार बेसिक से स्टेप क्लियर किए हैं। हमने यहाँ पे मार्केटिंग टाइप चूज कर लिया, हमने कस्टमर चूज कर लिया है अपना, कौन हमारा स्पेसिफिक कस्टमर होगा, हमने मॉलिक्यूल चूज कर लिए, हमने लोकेशन चूज कर लिए हैं। अब हमारे पास एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट काम आ जाता है, वो आता है कंपनी का नेम चूज करना। ये स्टेप सबसे पहले भी आ सकता था, लेकिन सबसे पहले इसकी ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं थी, क्योंकि नाम मैटर करता है हर चीज में। लेकिन जब आप एक नाम, यूनिक नाम ढूंढ लेते हो जो किसी से रिजेंबल नहीं करता और आप उस पर काम करते हो, उसकी अच्छी तरह मार्केटिंग करते हो, तो वो सबकी जुबान पे आ जाता है। लेकिन जो पहले मैंने स्टेप डिस्कस किए हैं वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी स्टेबिलिटी के लिए, अगर आप फार्मास्यूटिकल कंपनी लॉन्च करना चाहते हो, बजाय इसके कि आपके कंपनी का नाम क्या होना चाहिए। जब आप नाम को बार बार रिपीट करते जाते हो तो नाम तो हमारी जुबान पे आने ही लग जाता है, और जब हम उसको अच्छी मार्केटिंग करके लोगों के दिमाग तक, दिल तक पहुंचा देते हैं, तो उनको वो याद भी हो जाता है। इसीलिए मैंने उन स्टेप्स को पहले रखा है और नाम को बाद में रखा है। इससे आगे जो नेक्स्ट स्टेप आ जाता है वो आता है प्रोडक्ट नेम सिलेक्शन। इंडिया में हर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट का एक नाम होता है, चाहे वो जेनरिक हो चाहे ब्रांडेड हो। तो अगर आप किसी भी मार्केटिंग टाइप में कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो तो आपको उसको एक नाम देना जरूरी है, और नाम सबसे इम्पोर्टेंट चीज इसलिए है क्योंकि वो सबसे यूनिक होना चाहिए और डॉक्टर आपके नाम से ही उसको प्रिस्क्राइब करेगा। तो जितना हो सके एक यूनिक नेम जो किसी से रिजेंबल नहीं करता हो, पूरी अच्छी तरह उसको चेक करके अपने प्रोडक्ट का रखने की कोशिश करिए। उसके बाद जो प्रोसेस आ जाता है वो ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन का आ जाता है। आप अपनी कंपनी के नाम को ट्रेडमार्क करा सकते हो, अपने ब्रांड नेम को ट्रेडमार्क करा सकते हो, और बाकी तो सब डॉक्यूमेंट और लाइसेंसेज की बात की थी मैंने। ये बेसिकली फर्स्ट स्टेप है। इसके बाद एक स्टेप और जो आप कंसीडर कर सकते हो, वो कर सकते हो मार्केटिंग बजट के बारे में, कि आपका जो बजट है उसको कैसे यूटिलाइज करना है आपको। आपने मार्केटिंग टाइप सिलेक्ट कर लिया, आपने कस्टमर सिलेक्ट कर लिया, आपने मॉलिक्यूल सिलेक्ट कर लिए, आपने लोकेशन सिलेक्ट कर ली, फिर आप देखोगे कि आपके पास बजट कितना है और उस बजट को, जो आपके रिसोर्सेज है, जो आपका बजट है, उसको किस तरह आप बेटर तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो। किन मॉलिक्यूल्स को, सपोज करो आपने 20 मॉलिक्यूल को सिलेक्ट किए, तो किन 5 मॉलिक्यूल्स को आप पहले लॉन्च करेंगे ताकि आप अपने बजट के हिसाब से उसको मेंटेन कर सको। आप कितना स्टाफ रख सकते हो, जिसकी सैलरी को आप अफोर्ड कर सकते हो, तो उस हिसाब से आप अपने बजट के कैलकुलेशन कर सकते हो और अपने फार्मास्यूटिकल कंपनी के प्रोसेस को आप अगले फर्दर लेवल तक ले जा सकते हो। उम्मीद करता हूँ ये इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।